महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम यानी MSRDC ने राज्य के सबसे अच्छे हाईवे को यात्रियों के लिए सुरक्षित बनाने का प्लान तैयार कर लिया है। हाईवे से गुजरने वाले हर वाहन पर नजर रखने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का इस्तेमाल करने का फैसला लिया गया है। MSRDC ने 701 किलोमीटर लंबे पूरे हाईवे पर इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यानी ITS लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए MSRDC ने अनुभवी कंपनी की तलाश शुरू कर दी है। ITS के तहत हाईवे पर ऑप्टिकल फाइबर केबल का जाल बिछाया जाएगा। तय दूरी पर हाईटेक CCTV कैमरे लगेंगे और कैमरे से मिलने वाली फुटेज की जांच के लिए कंट्रोल रूम भी तैयार होगा। टेक्निक के माध्यम से हाईवे पर तेज गति से चलने वाले वाहनों, लेन क्रॉसिंग और ओवरटेक करने वाले वाहनों की पहचान करना बेहद आसान होगा। टेक्निक की मदद से कम समय में नियमों को तोड़ने वाले वाहनों की पहचान कर उनको रोकना और जुर्माना लगाना संभव होगा। अभी राज्य के सबसे लंबे हाईवे पर क्विक रिस्पांस व्हीकल RTO और हाईवे पुलिस की मदद से वाहनों पर नजर रखी जाती है। ITS के लग जाने के बाद कंट्रोल रूम में बैठकर ही ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की पहचान हो जाएगी। साथ ही इसका इस्तेमाल आपात स्थिति में मदद पहुंचाने के लिए भी होगा। हाईवे के खुलने के बाद यात्रियों के सफर की गति काफी तेज देखी गई है, जिस वजह से दुर्घटनाएं हो जाती है। हादसों को कम करने के लिए ही टेक्निक की मदद ली गई है। मुंबई से नागपुर के बीच 701 किलोमीटर लंबा समृद्धि महामार्ग का निर्माण किया जा रहा है और 701 में से 600 किलोमीटर मार्ग वाहनों के लिए खोल दिया गया है। आपको गवर्नमेंट का ये प्रस्ताव कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इस प्रकार की अपडेट के लिए जुड़े रहिए नेशंस हिट से।